हाँ भाई, इसका नाम रखना है यार नाम। और भाई साहब नेला को मैंने इधर बिठाया और इसी हरते चेक करें। भाई क्या करिए नेला, तुम यहाँ पे बैठ के, वो तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यारा है, ठीक है? तुम बड़ी गुरूर करती थी, तुमसे भी प्यारा दोस्त तुम्हारा आ चुका है। तो अभी दोस्तों हम इसको मिलाने वाले हैं। ये देखे भाई पिजन ने भाई अपना सेटअप पूरा वहाँ पे बना लिया भाई, वो देखिए उसने कचरा वगैरह अपने वहाँ पे सेट कर दिया। और मुझे लगता है भाई ये यहाँ पे अंडे देने के लिए बैठ गया। अब वो देखे भाई उसने सारा कचरा अपना इकट्ठा कर लिया। और रैबिट बेचारे का दोस्तों मैं आपको हाल दिखाता हूँ भाई, वो दर बदर भटक रहे हैं। वो देखे वो भी यहाँ से निकल रहा है, ये देखो भाई इधर से निकला है और एक बेचारा ना वो बैठा हुआ है। वो देखे इन्होंने लगे दोस्तों अच्छी जगह बना ली है, अभी यहाँ पे मजे के साथ रह सकते। आ जा भाई चुनु मुनु बाहर आ जाना तू। वो देखो भाई कितनी क्यूट है भाई, ये देखो डरता भी है यार ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अवेश भाई, हाँ भाई, आपके साथ एक मशवरा करना है मैंने। जी भाई, मैं ये कहता हूँ ये सुरखाब जो है ना ये हम बैक हाउस में छोड़ देते हैं और इस केज की जो है ना सफाई करते हैं यार, इसमें स्मेल मची हुई है। हाँ स्मेल मची हुई है। और आपको पता है पानी भाई ये गिरा देते हैं यहाँ पे और डाइट गिरा देते हैं भाई, कितनी स्मेल होती है यहाँ पे। आपका आइडिया बिल्कुल जबरदस्त है भाई, अगर ये वहीं पे फिट हो जाएंगे, मट्टी नहीं खाएंगे तो ये वहीं रहेंगे वरना इनको ले आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और मैं कहता हूँ नीचे वाली डब है इसको भी उधर छोड़ देते हैं हम, ये अकेली बच चुकी है दोस्तों। ये देखिए हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी इसको पकड़ना भाई कैसे है ख्याल से भाई? वो देखिए भाई बड़ा तेज होता है यार ये। मैं चलता हूँ, मैं गेट खोलता हूँ। आ जा भाई छोड़ दे दरी। ओ भाई साहब गोली की तरह गया है। हाँ। लेकिन भाई मोर ना मारे इसको। नहीं हाँ इसी से ख्याल करना पड़ेगा, ऐसा ना दोस्तों हम पीछे से जाएं और मोर जो इस पे अटैक कर दे और बेचारे को भी कुछ करना दे। तो अभी दोस्तों हमें निकालनी है सुरखाबी, इसको भी ले आए। ध्यान से पकड़ो ना भाई अंडे दे रही है, कोई ऐसा ना भाई इसका अंडा टूट जाए और बेचारी जो है वो एक्सपायर हो जाए। हाँ आ गया हूँ, चलो इसको भी छोड़ दो। वो ये भी गई अभी दोस्तों, इनका केज जो निकाल लेते हैं। नहीं नहीं डब डब रहती है अभी। चलो आप डब निकालो और हम दोस्त मिलके ये केज बाहर निकाल लेते हैं। ये डब उड़ सकती है? बिल्कुल उड़ सकती है। हाँ हाँ यार याद है आपको ये डब की कोई उम्मीद नहीं थी हमें बचने, लेकिन दोस्तों ये देखिए डब बिल्कुल सेट हो गई है। मैं कहता हूं इसको यहीं छोड़ देते हैं, इधर नीचे नहीं भाई, भाई नीचे वहीं अगर रहेगी तो इसको मार देंगे। हाँ ये भी बात आपकी ठीक है भाई, मुर्गियां फिर रही है तो मुर्गियां जो भी नीचे चीज फिर रही होती है ना उसको नहीं छोड़ती। केज बाहर निकालो। हाँ केज को पकड़े, ऊपर से गर्मी है और हमें काम भी आज बहुत करने हैं भाई, और गर्मी भी दोस्तों बहुत ज्यादा है आज। ये इधर बहुत ज्यादा गंद है यार। तो अभी दोस्तों केज को हमने साफ सुथरा कर दिया, नीट एंड क्लीन, ये देखें बिल्कुल चमक रहा है। और अभी इसको रख देते हैं धूप पे, जैसे दोस्तों ये सूख जाता है इसको हम फिर बर्ड्स में लेके जाएंगे। हाँ भाई इसका नाम रखना है आज। यार नाम नहीं सिलेक्ट किया यार, दोस्तों ने भी नहीं बताया अच्छे से नाम। और आपने मैंने मैंने एक नाम रखा है। क्या? जैकू। जैकू? हाँ। वो कैसा नाम रखा है भाई? चलो जैक तो समझ आता है भाई, जैक को तो समझ नहीं आता। नहीं जैक को समझ आता है, जैकू जैकू। नहीं नहीं जैक, जैक जबरदस्त नाम है भाई। अच्छा चलो चलो फिर आप क्या कहते हो जैक? भाई जैक जबरदस्त नाम है, बहुत ही अच्छा नाम रखा है। जैक को समझ नहीं आता भाई, जैक जबरदस्त नाम। वो देखो वो भी कह रहा है कि भाई जैक मेरा नाम रखा जाए। हाँ जी जैक, जैक कैसा रहा तुम्हारा नाम? अच्छा नाम है कि नहीं है बताना मुझे। जैक जबरदस्त नाम है। हाँ और वही 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 अरे यार कैसा लगा आप लोगों को नाम? प्यारा नाम है ना। हाँ तो मुझे तो लगता है भाई हमारी नेला से भी प्यारा नाम है। नेलू अपने जैक के साथ मिलाते हैं, फिर देखते हैं भाई जैक का किस तरह रिएक्शन होता है और नेलो हमारी वो किस तरह रिएक्ट करती है इसे देख के। तो अभी दोस्तों मैं जल्दी से अपनी नेलो जो लेके आता हूँ। और भाई साहब नेलो को मैंने इधर बिठाया और इसी हरते चेक करें। भाई क्या करिए नेलो तुम यहाँ पे बैठ के? वो देखो भाई क्या इधर मुंह मारियो नीचे। चलो आ जाओ मेरे पास आ जाओ यार। ये नेलो का काम चेक करो भाई, आते ही साथ मेरे ऊपर चढ़ जाती है ये, और ये इसके पाँव बड़े सख्त हैं भाई ये। वो देखो इसके हरते चेक करो, और भाई ये देखना मेरे कान को काटेगी। तो चलो मैं आपको इसलिए लेने आया हूँ, तुम्हारा दोस्त लेके आए हैं, वो तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यारा है ठीक है। तुम बड़ी गुरूर करती थी, तुमसे भी प्यारा दोस्त तुम्हारा आ चुका है। तो अभी दोस्तों हम इसको मिलाने वाले हैं अपने जैक के साथ। आ जाओ इधर आ जाओ ना इधर आ जाओ। वो देखो भाई ये इसकी कभी इधर चली जाती है और कभी इधर चली जाती है यार, बहुत शैतान होगी ये नेलो हमारी। चलो आ जा जी नेलो, नेलो आ गई भाई। किधर है जैक? ओए ओए वो तो उड़ने लगी भाई, क्या बात है।
फिर क्या रखने वाला भाई अंदर भाई आपकी साजिश है। हाँ तो आप पहले भी कह रहे थे मुझे शक पड़ गया था। नहीं नहीं वो कह रहे हैं तो अब क्या रखना है फिर बात बताओ। जैको जैको सारे ये कहते हो यार ये क्या बात है जैको चलो भाई अंसार भाई सब दोस्तों को जो है नाम और पसंद आ गया दोस्तों जैक के बदले उन्होंने नाम सेलेक्ट किया जो वो जैको सेलेक्ट किया यार लेकिन जैको भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नाम है। जैको और नैलो किधर चली गई ये आ जाओ ना नैलो क्या गुस्सा कर रही हो तुम यहाँ पे बैठ के ये मिलो अपने दोस्त से मिलो ना तुम ये देखो भाई वो डर रही है भाई साहब किधर डर रही हो तुम हाँ हमारे साथ तो लड़ती हो तुम उसके साथ लड़ो पता चले तुम्हें वो देखो यार नाम दोनों के जो है ना मैच भी कर गए। अच्छा हाँ, हाँ। जैको नैलो जैको नैलो जैको नैलो जैको नैलो जैको हाँ यार ये तो जैको नैलो जैको नैलो क्या कहते हो हाँ? भाई ये तो सोचा भी नहीं नाम इनके दोस्तों मैच करेंगे एक नैलो और उसका नाम जैको तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों के नाम कैसे लगे यार मुझे तो बाकी यार नाम बहुत ही प्यारे लगे इनके इसका नाम जैको और उसका नाम नैलो। भाई नैलो काटती क्यों यार तुम जैको भी नहीं काटता इतना जितना तुम काटती हो उसे काटो तो पता चले ना। हाँ ये देखो भाई ये देखो ये देखो भाई इनकी दोस्ती हो गई है मुझे लगता है अब ये लड़ नहीं रहा मुझे लगता था कि मारेगा इसको नैलो छोटी है ना ये बड़ा है बहुत बड़ा है लेकिन ये कुछ भी नहीं कह रहा इसको ये देखो इसके पास आ रही है लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा वो ये बिल्कुल फिट है। तो अभी दोस्तों नैलो और जैको को हमने एक ही केज में बंद कर दिया भाई अभी तो दोस्तों बड़े स्कूल के साथ बैठे हुए हैं अब पता नहीं चल सकता कि भाई कभी भी अटैक कर सकते हैं यार ये वाली फीमेल हमारी अंदर चली गई ना तो भाई ये मेरी हाल में दोनों को नहीं छोड़ने वाली कैसे भाई हाँ भाई ये है मासूम लेकिन यार बड़ी शैतान है बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह ये देखिएगा ये देखिए मासूम भर के बैठ रही है फौरन से अटैक करेगी ओई भाई साहब बस नहीं नहीं भाई इससे दूर रहना है इससे दूर रहना है और आपको पता है भाई लड़के भी कभी कभी वो परेशान हो जाते हैं वो समझते हैं कि नैलो यहाँ पे बैठी हुई जब बहुत करीब लेके आते हैं ना तो वो काट देती है उनको और फिर पता चलता है भाई ये नैलो नहीं ये तो और बैठी हुई है ये नैलो नहीं नैलो की माँ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और भाई ये बड़े गुस्से वाली है वो देखे दोस्तों दोनों जो स्कूल के साथ बैठे हुए वो चेक करें मैं भी इनको बंद कर देता हूँ और भाई क्या क्या हालत है भाई उसकी वो कहाँ है कौन सी है यहाँ पे बैठा होता था यहाँ पे एक मिनट मैं देखता हूँ कहीं देखो मैं तो कहता हूँ जी 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 वाला तो नहीं है मैंने उसको दवाई दी थी वैसे कल परसों दी थी कौन सा था वो यार अब वो शक्कर मुझे याद नहीं है उसकी मुझे लगता है ये ब्लू वाला था मुझे ऐसे लगता है लेकिन ये ठीक हो गया है अब देखें आप तो ये सेट है। हाँ पहले दोस्तों यहाँ पे बैठ के ना घूम रहा होता था अभी देखें ये वो देखो पानी भी नहीं आ रहा है इसका मतलब ये सेट हो गया है। हाँ मुझे लगता है अब और दवाई देने की जरूरत नहीं है भाई ये गर्म होगी। हाँ अब दोस्तों ठीक हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा हमें दवाई देनी चाहिए लकवे वाली ये बिल्कुल ओके ये बच्चे इनकी क्या सूरत हाल है भाई साहब वही हुई 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 है यहाँ पे नहीं थी चार पांच अंडे रखे हुए थे अभी तो एक अंडा नहीं जाहिर भाई एक अंडा भी नहीं रखा हुआ भाई सारे अंडे यहाँ से गायब है और एक अंडा तो भाई वो नीचे पड़ा हुआ है और वो भी टूटा हुआ है मुझे लगता है भाई साहब वो फिर हीट में आई है और फिर उसने अंडे अपने जाया कर दिए और अंडे तोड़ दिए भाई यार ये क्या कर रही है पता नहीं समझ नहीं लग रही पहले भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था हमारी बच्ची ने अपने बच्चे भी मार दिए थे और अंडे भी तोड़ दिए थे और मुझे लगता है इस बार भी हमारे साथ भाई ऐसा ही हुआ है तो फिर नेक्स्ट जो है ना इनको हम लोग नहीं रखेंगे क्या नहीं रखेंगे एंटीबायोटिक के अलावा और कोई नहीं चीज़ रखेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है हम दवाई दोस्तों इनको देते हैं ना एग्स की ब्रीडिंग की तो ये फिर जल्दी हीट अप हो जाती हैं और भाई जो इनके पास बच्चे होते हैं और जो इनके पास जो अंडे होते हैं ना सबको ये तोड़ देती हैं तो अभी इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया अपने अंडे सारे इन्होंने तोड़ दिए वो देखें एक भी अंडा नहीं पड़ा हुआ वो देखें दूसरा अंडा वो पड़ा हुआ है एक वो पड़ा हुआ है एक जो है ये पड़ा हुआ है और मुझे लगता है हो सकता है दो अंडे जो नीचे गिरा के तोड़ दिए इन्होंने तो दोस्तों याद होगा आपको यहाँ पे हमने अपनी ब्लैक मुर्गी बिठाई थी भाई अंडों के ऊपर जो हमारे टर्की बर्ड के अंडे के ऊपर बैठी थी और भाई आपको पता है वो अंडे सारे वेस्ट हो गए थे जैसे दोस्तों हमने मुर्गी वो वाली उठाई यहाँ पे आ गया और इसने अपनी यहाँ पे फैमिली शिफ्ट कर ली है भाई इसने दो अंडे भी दे दिए क्या बात है यार जबरदस्त हो गया ये तो ये बड़ी अच्छी जगह इसने सेलेक्ट कर लिया है लेकिन भाई अगर कोई हमारी चीज और कुड़क होती है मुर्गी या कोई चीज तो हम आपको भी डिस्टर्ब करेंगे और यहाँ से उठा देंगे आपको। हाँ आप बैठे तो हाँ भाई क्या किया इसने इसका मेरे ख्याल में अंडा एक रखा हुआ है भाई एक दूसरा अंडा इसका तोड़ गया है कोई मुझे लगता है वो कोई मुर्गी यहाँ पे आई है और वो ऊपर आई है और हाँ ये भी टूटा हुआ है ना तो ये भी टूटा हुआ है तो मुझे मैं तो कहता हूँ इसको उठा दो आप यहाँ से हाँ उठा दे इसको उठा दो ओ भाई साहब हाँ इसकी क्या हाल है भाई इसके नीचे दो दोस्तों अंडे रखे हुए थे मैंने खुद देखा अभी देखते हैं कि भाई इसके नीचे वाला क्या भाई साहब इसका भी एक अंडा रखा हुआ है और मुझे लगता है ये भी खत्म है भाई ये भी टूटा हुआ है ये सब दोस्तों जो हाल है ना ये मुर्गी और हमारी डक्स का हाल है वो यहाँ पे आती है इनको तंग करती है और अंडे जो है वो खा जाते हैं ये देखो भाई इसका कोई हाल नहीं ये अंडा भी टूटा हुआ है
ये अंडा गलत जगह पे अंडा। हाँ मैं इनको समझाता रहता हूँ भाई, हर वक्त कहता हूँ इनको भाई इधर ना अंडा दिया करो, ये कितनी बड़े हमने हाउस बनाए हुए, लेकिन ये भाई ऐसी जगहों पे देते हैं जहाँ पे बाकी बढ़ जाते हैं, इनके ऊपर चढ़ जाते हैं और अंडे तोड़ देते हैं इनके, इनको बाहर फेंक दो। जब तक हम लोग खरगोश के घर नहीं बनाते ना वहीं पे रैबिट के, बिल्कुल ऐसा ही है, तब तक ये मसाले चलते हैं। हाँ, और आपको पता है काफी दिनों बाद हमारे रेड बॉल कबूतर ने दिए अंडे। दोस्तों गर्मी यार बहुत ज्यादा हो गया, तो आज भी सत्र में यही भी करते हैं, उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको चल गया तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस गर्मी को देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, वरना यह हवा हाल हमारा होता रहेगा, हम गर्मी में ऐसे तड़पते रहेंगे, मरते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। अल्लाह हाफिज।